हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो नए ऑपरेटर बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं सीएनसी मशीन या लेथ मशीन, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो उसमें एक ऐसे पार्ट है जिसको जानना ज़रूरी होता है, जो अभी सामने कैमरे पर दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं टेल स्ट्रोक। तो टेल स्ट्रोक के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों को टेल स्ट्रोक के बारे में जानना चाहिए कि नहीं, और टेल स्ट्रोक कितना इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे सीएनसी मशीन पे। सीएनसी मशीन या लेथ मशीन कहीं पे भी आप काम करोगे तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत होते हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें किसको क्या बोलते हैं और क्या इसका ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इसका, इसे बोलते हैं हैंड व्हील। क्यों बोलते हैं हैंड व्हील? क्योंकि हाथ से घुमाया जाता है, हाथों के लिए जहाँ पे हम इस तरह से यूज करते हैं, तो इसे हैंड व्हील कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हैंड व्हील कहते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जो मेरा ये नीचे दिख रहा इसे बेड बोलते हैं, बेड जिस पे ये हमारा चलेगा। तो आपने जो भी देखा इसे हैंड व्हील कहते हैं। उसके बाद इसे बोलते हैं टेल स्टॉक क्लैंपिंग बोल्ट। टेल स्टॉक क्लैंपिंग बोल्ट बोलते हैं इसको, टेल स्टॉक क्लैंपिंग बोल्ट बोलते हैं। और ये जो हमारा है इसे ओपन और क्लोज करने के लिए काम आते हैं। अगर मैं इसे इस तरह से क्लोज कर दूंगा तो ये ना तो आगे बढ़ेगी ना पीछे बढ़ेगा, ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्लैंपिंग हैंडल बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि आप जब इसे स्पैंडल को यूज करते हो, इसे स्पैंडल बोलते हैं, जो हमारा ये हैंड व्हील घुमाने के बाद निकलता है उसे हैंडल, ये हैंड व्हील घुमाने के बाद जो स्पैंडल हमारा निकल रहा है बाहर में, इसे स्पैंडल बोलते हैं। और इसे सपोज हमें 80 तक चाहिए, तो 80 तक होने के बाद अगर हमें इसे क्लैंप कर दें, इसे क्लैंप करने के बाद हमारा ये स्पैंडल आगे पीछे वाइब्रेट कुछ नहीं करेगा। और इसके अंदर जो होल दिख रहा है इसे बोलते हैं डेड सेंटर या रिवॉल्विंग सेंटर, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर मेरी तरह यहाँ पे ड्रिल यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल छोटा सा है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, आप देखोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ये छोटे से इन्फॉर्मेशन नए ऑपरेटर के लिए बहुत ज़रूरत होती है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।